Hello students, I am Pawan Sharma, maths teacher. Subscribe this channel. गुरुकुल ट्यूटोरियल्स में मैं पवन शर्मा, हम डिस्कशन कर रहे थे सेकंड चैप्टर इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का, एक्सरसाइज है 2.2। इसके थ्री क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके थे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले कि इस टाइप से जब क्वेश्चन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो उसको एक्स को ए टेन थीटा या कोट थीटा पुट करते हैं। अगर साइन इनवर्स दिया हुआ है तो एक्स को ए टेन थीटा पुट करेंगे, और कोस इनवर्स दिया हुआ है तो एक्स को ए कोट थीटा पुट करेंगे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्स को ए टेन थीटा पुट करते हैं। अब एक्स के ए अपोन में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स अपोन ए, और इधर बच जाएगा टेन थीटा। अब ये टेन इधर जाके इनवर्स बनेगा, तो टेन इनवर्स एक्स अपोन ए इक्वल कितना आ जाएगा, थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स अपोन ए। अब हम क्या करेंगे कि इसको वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x की जगह आ जाएगा ए टेन थीटा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे कि ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर बच जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर बचा हुआ है ए टेन थीटा। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा टेन थीटा, और अंडर रूट में बन गया वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो सेकंट स्क्वायर थीटा होती है। जब अंडर रूट से बाहर निकलती है तो वो सेकंट थीटा बचता है। तो टेन थीटा को लिख सकते हो आप साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और सेकंड थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोस थीटा। कोस से कोस कट हो गया तो कितना बच गया, साइन थीटा। तो इस प्रकार से साइन थीटा आ गया। अब अंदर बचा हुआ, बाहर बचा हुआ था साइन इनवर्स, और इधर आ गया साइन थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन थीटा कैंसिल होके वन बन जाएगा, तो थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, टेन इनवर्स वन बाय एक्स बाय ये, टेन इनवर्स एक्स बाय ए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए कि सेम ही है, बट टेन की जगह क्या, साइन इनवर्स की जगह कोस इनवर्स दिया हुआ है, तो हम उसमें क्या पुट कर देंगे, एक्स को ए कोट थीटा। तो एक्स अपॉन में चला, एक्स के अपॉन में ए चला जाएगा, एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और कोट उधर जाके इनवर्स बन गया, तो कोट इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा थीटा की वैल्यू। अब ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए कोट थीटा, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और बाहर आके ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा कोट थीटा, और अंडर रूट में बन गया वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा की अंडर रूट में आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगी। जब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, कोसिकेंट थीटा। तो ऊपर बच गया कोट थीटा, और नीचे बच गया कोसिकेंट थीटा। तो कोट थीटा को लिख सकते हो आप कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट कीजिए तो क्या बच गया, कोस थीटा। अब बाहर कोस इनवर्स बना हुआ है, तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, यानी कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बच जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है, कोट इनवर्स एक्स बाय ए। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।